वेलकम टू चोपड़ा एडुकेशनल्स यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं वो आप ही की डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी पर बेस है। जैसे हम सभी लोग गूगल पे जो सर्च करते हैं तो लास्ट 24 आवर्स में जो ट्रेंडिंग सर्च रही है, जो सबसे ज़्यादा सर्चिंग रही है, उसकी एक ब्रीफ है। ये ब्रीफ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरे ब्रीफ को जानने के लिए आपको इस पूरे वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस इंफॉर्मेटिव सेशन को आप अगर आपके दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं उसको थ्रू द शेयर करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो जैसे हमने देखा कि आरबीआई के बारे में 50,000 सर्च हुई, ल्यूपिन शेयर के बारे में हुई, कोलंबिया में जो प्रोटेस्ट चले उसके बारे में हुई, जेनोसाइड से कंपेरिजन किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके बारे में हुई, लकी अली जो सिंगर थे उनके बारे में एक न्यूज़ सर्च हुई, इसके अलावा चाइना रिलेटेड भी एक सर्च आई है। तो इन सब चीज़ों को डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक जो चाइनीज लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट था, इसके बारे में सुना जा रहा था कि ट्रैक नहीं हो रहा था, काफ़ी न्यूज़ में था। तो अब जाके US डिफेंस डिपार्टमेंट स्पोक पर्सन जो माइक हावर्ड ने कहा कि ये ट्रैकेबल हो गया है और अराउंड 8 मई के आसपास से अर्थ एटमॉस्फेयर में आएगी, जो कि 29th को लॉन्च किया गया था वाई वेनचैंग स्पेस क्राफ्ट लॉन्च साइट से। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये जो चाइनीज लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है वो कहाँ से लॉन्च किया गया था, या फिर वेनचैंग स्पेस क्राफ्ट कहाँ पर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी ये न्यूज़ में था, ये लास्ट 24 आवर्स की ही न्यूज़ है जो कि गूगल पे काफ़ी गूगल ट्रेंड कर रहा था गूगल पे ये चीज़। इसके बाद हम जाते हैं कि आरबीआई के बारे में देखते हैं कि आरबीआई ने 50,000 करोड़ की एक हेल्थ केयर पैकेज इन फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी विंडो इन्होंने लॉन्च किया है, जैसे फॉर द वैक्सीन मेकर्स, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स और हॉस्पिटल और पेशेंट के फंड्स के लिए। और ये कोविड के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल कंट्रीब्यूशन रहा है आरबीआई के तरफ से। और इसकी अनऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई थी ये, बाकी इसके इम्पैक्ट भी शेयर मार्केट पे भी रहा वो आगे देखते हैं हम। इसके बाद प्रोटेस्ट जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि कोलंबिया में हो रही है फॉर द प्रोपोज गवर्नमेंट टैक्स इनफॉर्म को लेकर, जिसमें 19th डेथ हो गए हैं और 800 लोग घायल हुए हैं फ्रॉम लास्ट 5 डेज। तो इसके बारे में भी काफ़ी लोग सर्च किए हैं गूगल पे। उसके बाद जो हाइक हुई थी एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ आरबीआई गवर्नर, तो देखते हैं ऐसे ल्यूपिन, सन फार्मा ल्यूपिन, उसके बाद वो खार्डेट और बिंदु शेयर लीड हेल्थ केयर रैली, इन सबों के शेयरों में काफ़ी हाइक मिली है क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट था हेल्थ केयर इंडस्ट्री को। तो इस वजह से शेयर में भी इनकी हाइक देखने को मिली। उसके बाद है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंपेरिजन किया है जो ऑक्सीजन के सप्लाई पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो रही है, उससे जिन लोगों की डेथ हो रही है ड्यू टू कोविड, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये एक जेनोसाइड की तरह है। जेनोसाइड की मीन्स होता है नरसंहार। तो जैसे नरसंहार किया जाता है उसी तरीके से, जो लोग काफ़ी ये भी सुनने को मिलता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इन सब लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। और ये जो पूरी बेस थी वो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही है, बेगिंग फॉर एन ऑक्सीजन सिलेंडर टू सेव द लाइफ ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस, तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने कहा है कि ये क्रिमिनल एक्ट है जो इन चीज़ों में है कि प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही ऑक्सीजन की। तो ये भी काफ़ी ट्रेंड में रहा। कार्ल मार्क्स की बर्थडे है, तो
203 बर्थडे, 203rd बर्थडे है, और उस पर उन्होंने जैसे कहा है कि वो कैपिटलिज्म के, आप लोग जानते हैं कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि कैपिटलिज्म बहुत चालाक होते हैं, इनसे जो वर्किंग क्लास लोग हैं वो इफेक्ट होते हैं, तो वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे। उसके बाद एक न्यूज़ आई कि लकी अली की डेथ र्यूमर्स आई, बट ऐसा कोई बात नहीं है। उनकी एक फ्रेंड है नतीसा अली ने ट्वीट किया कि ही इज़ फाइन। उसके बाद एमजी गायकवाड़ ने जो मराठा रिजर्वेशन की बात चल रही थी उस पे उनकी गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट आई है कि अगर कोई ऐसे हैं जो अपने सेल्फ इस्टीम जिनकी खो चुकी है, उनको हम सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लास में कैटेगरी के अंतर्गत उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो मराठा रिजर्वेशन के लिए अच्छी न्यूज़ थी, बट ये भी ट्रेंड में थी। एसबीआई की डिटेलिंग करें तो एसबीआई की जो नोटिफिकेशन आई थी, तो सबसे पहले हम जानते हैं इनकी जो वैकेंसी थी उस बारे में। तो इनकी जो टोटल वैकेंसी थी आई हुई थी 5424 की, इनकी टोटल वैकेंसी आई हुई थी। और अब जो मेजर पॉइंट स्टूडेंट पूछते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या लगता है, तो ग्रेजुएशन है, कितने एज तक लोग कर सकते हैं, तो 21 to 28 ईयर्स तक की है। कैसे फॉर्म फिलअप करें, तो sbi.co.in में जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। और कितनी सैलरी होगी, तो 29,000 की सैलरी होती है। और उसके बाद क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी जॉब रोल क्या है। तो इनकी अगर जॉब रोल देखें, जॉब रोल के बारे में हम देखें, तो जैसे हम इसको कहते हैं क्लर्क, एसबीआई में इसे जूनियर एसोसिएट कहा जाता है। तो जैसे हम डे टू डे लाइफ में हम बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जो हमारे बेसिक वर्क रहते हैं, जैसे पासबुक अपडेट हुआ, विथड्रॉल हुआ, डिपॉजिट ऑफ मनी हुई, केवाईसी हुआ, या फिर कोई रिलेटेड बेसिक रिलेटेड वर्क जिनसे हम मिलते हैं और जो इन वर्क को पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं, उन्हीं को हम एज ए लेमन वर्ड क्लर्क कहते हैं। और उनकी जॉब रोल के बारे में आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। बाकी इनकी जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप है वो 17 मई को है, और होपफुली इससे पहले आप लोग फॉर्म फिलअप कर लें। और आज का जो पूरी वीडियो है, सेशन है, यहीं तक है। और अगर आपको लगता है कि ये सेशन इंफॉर्मेटिव है, तो आप इस सेशन को शेयर करें, और घर पे रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चोपड़ा एडुकेशनल्स को देखते रहें। और आपको और एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे कि जो एसबीआई की प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है लुधियाना सर्किल की, वो चोपड़ा एडुकेशनल्स ही करता है। तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अभी ज्वाइन कर सकते हैं एसबीआई की, और काफ़ी 3,500 में चोपड़ा एडुकेशनल्स एसबीआई की पूरी प्रिपरेशन 3 मंथ में करवा रहे हैं ऑनलाइन। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। बिकॉज ऑफ लास्ट ऑफ पेंडेमिक के टाइम पे जब ऐसी सिचुएशन आई थी और आप लोग ने प्रिपरेशन करना छोड़ दिया, तो इस साल आपने देखा कि जो एग्ज़ाम्स हुए वो सारे एग्ज़ाम्स तो हुए, लास्ट इस ईयर भी अपकमिंग टाइम में भी सारे एग्ज़ाम्स होंगे। तो घर पे बैठे पढ़ें, स्वस्थ रहें, और चोपड़ा एडुकेशनल्स को देखते रहें। आज के लिए इतना ही, एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।